तो एक्सप्लेनेशन ऑफ पीरियोडिक मोशन, सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। तो एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो अगर एक मोशन बार बार रिपीट हो रहा है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है और वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है अप्रोक्सीमेटली 28 डेज में, फिर नेक्स्ट 28 डेज में वो वही मोशन रिपीट करने वाला है, फिर नेक्स्ट 20 डेज में वो वही मोशन रिपीट करने वाला है। तो ये एक ही टाइप का मोशन बार बार रिपीट कर रहा है तो हम इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। सिमिलरली प्लैनेट्स का जो मोशन होता है अराउंड सन वो भी पीरियोडिक मोशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ को सन के अराउंड एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 365 डेज लगते हैं, तो ये 365 डेज के बाद फिर से वही मोशन रिपीट करने वाला है, फिर नेक्स्ट 365 डेज में वही मोशन, तो ये वही मोशन बार बार रिपीट कर रहा है तो हम इसको बोलेंगे ये एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन की। अ बॉडी परफॉर्मिंग पीरियोडिक मोशन गोज ऑन रिपीटिंग द सेम सेट ऑफ मोमेंट, ये वही सेट ऑफ मोमेंट बार बार रिपीट करती है बॉडी। जैसे कि ये एक और एग्जाम्पल है मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, घड़ी के कांटे। अब सपोज ये मिनट हैंड है, ये जो बड़े वाला कांटा दिख रहा है वो मिनट हैंड है, वो 12 से स्टार्ट होता है, एक राउंड कंप्लीट करके 12 पे जाता है, फिर से वही मोशन बार बार रिपीट करने वाला है, तो ये सेम सेट ऑफ मोशन बार बार रिपीट कर रहा है तो इट इज पीरियोडिक मोशन। द टाइम टेकन फॉर वन सच सेट ऑफ मोमेंट्स इज कॉल्ड एज पीरियड और पीरियोडिक टाइम। तो अगर मिनट हैंड 12 से स्टार्ट होके 12 पे जा रहा है तो उसको 60 मिनट लग रहा है और ये 60 मिनट हम बोलेंगे मिनट हैंड का टाइम पीरियड है। ऐसे ही आर हैंड अगर 12 से स्टार्ट होके 12 पे जाता है तो उसको 12 आवर्स लगते हैं तो हम बोलेंगे आर हैंड का पीरियोडिक टाइम 12 आवर्स है, मिनट हैंड का पीरियोडिक टाइम 60 मिनट है, और अगर सेकंड का कांटा रहेगा, सेकंड का कांटा एक राउंड कंप्लीट करने में 60 सेकंड लेता है तो उसका टाइम पीरियड 60 सेकंड होगा। अनदर टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन इन विच अ पार्टिकल रिपीटेडली मूव टू एंड फ्रो अलोंग द सेम पाथ इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ये पेंडुलम एक ही पाथ में वही मोशन कर रहा है, वही पाथ में बार बार मूव हो रहा है तो इट इज अ वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी। तो हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक मतलब आफ्टर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम वो सेम सेट ऑफ मोशन। सपोज ये मीन पोजिशन से स्टार्ट हुआ, सेंट्रल पोजिशन मीन पोजिशन से राइट साइड में जाता है, कुछ डिस्टेंस कवर करता है, फिर लेफ्ट साइड में आता है, फिर इसका मोशन कंटिन्यू रखता है लेफ्ट साइड में, फिर कुछ डिस्टेंस कवर करके रिटर्न मीन पोजिशन पे आता है। तो ये जो है ये वन सेट ऑफ मोशन है जो ये बार बार रिपीट करने वाला है, इसके बाद फिर से ये राइट में जाएगा, लेफ्ट में आएगा, फिर से ये मीन, तो ये वन सेट ऑफ मोशन को हम वन ऑसिलेशन बोलेंगे। और ये एक ऑसिलेशन अगर 2 सेकंड में कर रहा है तो नेक्स्ट ऑसिलेशन भी यह 2 सेकंड में करेगा, उसके बाद वाला ऑसिलेशन भी 2 सेकंड में, तो वही मोशन ये बार बार रिपीट कर रहा है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो हम बोलते हैं ये ऑसिलेटरी मोशन है और ये पीरियोडिक है। तो हम यही से बोल रहे हैं एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, ये पीरियोडिक मोशन है, बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी। तो पीरियोडिक मोशन की एक और एग्जाम्पल देखे जी, हैंड्स ऑफ द क्लॉक। अब ये घड़ी कैसे घूम रही है, एक सर्कल में घूम रही है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन। तो ये ऑसिलेशन तो नहीं कर रहे, ये घड़ी के कांटे ऑसिलेशन नहीं कर रहे बट वही सेट ऑफ मोशन बार बार रिपीट कर रहे उतने ही टाइम में, तो ये पीरियोडिक मोशन तो है बट ऑसिलेशन मोशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे कि सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये पीरियोडिक है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में वही सेट ऑफ मोशन रिपीट कर रहा है बट नॉट ऑसिलेटरी, और ये ऑसिलेटरी नहीं है। बट ये जो ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है ये ऑसिलेटरी मोशन भी और पीरियोडिक मोशन भी है। तो एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी, हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल घड़ी, ये पीरियोडिक मोशन तो है बट ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। नेक्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसका शॉर्ट फॉर्म है SHM।
द मोशन इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडीज मूव टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजिशन अलॉन्ग अ सर्टन फिक्स पाथ इज कॉल की जगह यहाँ पे कॉल्ड आएगा एज सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी फिक्स पाथ में टू एंड फ्रो मूव करती है. इफ द पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन द मोशन इज कॉल्ड एज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो अगर एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में आगे पीछे हो रही है तो हम उसको लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये जो सिलाई मशीन है उसकी सुई एक लाइन में ऊपर नीचे या आगे पीछे हो रही है. तो अगर ये एक लाइन में ही इसका मोशन हो रहा है ऊपर नीचे या आगे पीछे तो हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. बट इफ द पाथ इज अ आर्क ऑफ अ सर्कल इट इज कॉल्ड एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. जैसा कि ये पेंडुलम के केस में ये एक सर्कल के आर्क पे क्या हो रहा है, घूम रहा है. तो अगर ये सर्कल के आर्क पे आगे पीछे हो रहा है तो इसको हम एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं. द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द टू एंड फ्रो मोशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. तो सपोज करते हैं ये मिडल में कहीं तो मेन पोजीशन है, ये बॉब जो है मूव हो रहा है वो पहले तो राइट साइड में जा रहा है एक्सट्रीम पे, फिर रिटर्न आ रहा है मेन पे, फिर लेफ्ट साइड में जा रहा है एक्सट्रीम पे, फिर रिटर्न. तो ये एक सेट ऑफ मोशन डिफाइन कर लिया, इसको हम वन ऑसिलेशन बोलते हैं. और ये वन ऑसिलेशन को जो टाइम लगेगा वो उसको टाइम पीरियड बोलेंगे. फिर से ये यही सेट ऑफ मोशन रिपीट करने वाला है, फिर से ये यही सेट ऑफ मोशन रिपीट करना है. तो ये वन सेट ऑफ मोशन को जो टाइम लगेगा दैट इज द टाइम पीरियड. द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी एंड इट इज डिनोटेड बाय एन. अब ये कितनी बार ऑसिलेट हो रहा है, एक बार राइट में गया लेफ्ट में राइट में तो ये वन ऑसिलेशन. अभी सपोज करते हैं एक सेकंड में ये चार बार ऑसिलेट हुआ, तो अगर एक सेकंड में ये चार बार ऑसिलेट हो रहा है तो हम बोलेंगे इट्स फ्रीक्वेंसी इज 4 हर्ट्ज. तो यहाँ पे लीनियर SHM को हम डिटेल में समझ लेते हैं क्या है. तो ये डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. इनिशियली ब्लॉक जो है मीन पोजिशन पे है, और ये जो बीच वाला डायग्राम देख रहे हो आप ये ब्लॉक की पोजीशन है मीन पोजीशन. क्या करते हैं हम ब्लॉक को डिस्प्लेस करते हैं राइट साइड में. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये है राइट साइड में. तो इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस टुवर्ड्स द राइट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. तो जब आप डिस्प्लेसमेंट किए हो ब्लॉक को, जब आप डिस्प्लेसमेंट किए हो ब्लॉक का राइट साइड में, तो ये जो स्प्रिंग है ये क्या करेगा, अपना शेप रीगेन करने को ट्राई करेगी ड्यू टू द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस स्प्रिंग. तो ये यहाँ फोर्स उस पर लेफ्ट में लगाएगा. जब ये लेफ्ट में आएगा तो ये स्प्रिंग अपना शेप रीगेन कर लेगी. तो यहाँ पे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एक्स राइट साइड में हुआ है, तो जो स्प्रिंग फोर्स लगा रही है एफ वो लेफ्ट साइड में लगा रही है. तो जब ये ब्लॉक लेफ्ट में मूव होना स्टार्ट होगा तो ये कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा और वो मेन पोजीशन पे आके रुकने वाला नहीं है, वो लेफ्ट में मूव होता है वो चले जाएगा. तो अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गया, लेफ्ट में हो गया है. तो इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस टुवर्ड्स द लेफ्ट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट. तो अब ब्लॉक मूव होते हुए लेफ्ट में चले गया और स्प्रिंग क्या हो गई, कॉम्प्रेस हो गई. फिर से स्प्रिंग क्या ट्राई करेगी, अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन करने को ट्राई करेगी और ये फोर्स लगाने वाली है राइट साइड में. तो जब डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में हो रहा है तो स्प्रिंग फोर्स राइट में लगा रही है, जब डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा है तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट में लगा रही है. बट जब यहाँ पे स्प्रिंग मेन पोजिशन पे रहेगी या ब्लॉक मेन पोजिशन पे रहेगा तो यहाँ पे फोर्स जो रहेगा वो जीरो रहेगी. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं The force is proportional to the displacement, but its direction is opposite to that of the displacement. Force, जितना ज्यादा आप displacement करोगे, जितना ज्यादा block को displace करोगे, उतनी ज्यादा force यहाँ पे spring exert करने वाली है right में. तो जितनी ज्यादा force उतना ज्यादा displacement. और force और displacement की direction हमेशा opposite रहेगी. आप diagram 5.1 ए में देख सकते हो और 5.1 सी में देख सकते हो कि
कि डिस्प्लेसमेंट जब होता है राइट में तो फोर्स रहती है लेफ्ट में, जब डिस्प्लेसमेंट होता है लेफ्ट में तो फोर्स एक्ट होती है राइट में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। तो इफ एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट द रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज गिवन बाय, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि एफ और एक्स अपोजिट डायरेक्शन में है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम हटा रिमूव करेंगे तो हम इक्वल साइन के साथ कॉन्स्टेंट लगाते हैं, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट है के और इसको हम बोलते हैं फोर्स कॉन्स्टेंट। तो दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन दिस ब्लॉक। ये ब्लॉक पे स्प्रिंग क्या कर रही है, रिस्टोरिंग फोर्स लगा रही है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला है माइनस के एक्स। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे अपोजिटली डायरेक्टेड है। अब यहाँ पे हम एक्सीलरेशन ब्लॉक का फाइंड आउट कर लेते हैं कि फोर्स अगर है तो यहाँ पे एक्सीलरेशन भी होगा। तो फोर्स और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला रिलेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम है। तो ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ बाय एम, और एफ को हम लिख सकते हैं माइनस के एक्स। एफ का फॉर्मूला क्या मिला हमको, माइनस के एक्स। तो एफ की जगह माइनस के एक्स लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, के और एम को ब्रैकेट में लिख लेते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि के क्या है, कॉन्स्टेंट है, और एम मास ऑफ द ब्लॉक थ्रू आउट द मोशन, मास भी क्या रहने वाला है, कॉन्स्टेंट रहने वाला है। तो ये ब्रैकेट वाला टर्म आपका कॉन्स्टेंट हो गया। आप कॉन्स्टेंट को और इक्वल साइन को रिमूव करोगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दिस shows that the acceleration is also proportional to the displacement, acceleration भी displacement के proportional है और उसकी direction opposite to that of the displacement है। acceleration जितना ज्यादा रहेगा displacement भी उतना होगा, displacement decrease कर दोगे acceleration भी decrease हो जाएगा, but acceleration और displacement क्या होगा, oppositely directed रहेंगे। तो the force and acceleration both directed towards the mean position or equilibrium position, force और acceleration दोनों ही हमेशा equilibrium position की तरफ act करेंगे। यहाँ पे force की direction देख लो towards the equilibrium position है, यहाँ पे force की direction towards the equilibrium position है। तो जो direction force की होगी वही direction acceleration की होगी। तो हम बोल सकते हैं force and acceleration both are always directed towards the mean position or equilibrium position। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए अपोजिट है, एक्सीलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज द लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच फोर्स is always directed towards the mean position and its magnitude is proportional to the displacement। तो force की direction हमेशा mean position की तरफ रहेगी। ये mean position है, आप mean position से right में किए displacement वो left में आएगा। तो direction ये arrow की हमेशा mean position। force is always directed towards the mean position but its magnitude is proportional to the displacement। displacement increase करोगे जो फोर्स एक्ट करना है स्प्रिंग को, रिस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा रहेगी। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स भी कम एक्ट होगी। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, डेरिवेशन करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम का। तो इन लीनियर एसएचएम हमारे पास एक फोर्स की इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, बट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं एम ए। तो माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए हम ऐसा लिख सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डी एक्स बाय डी टी ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, और एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, डी वी बाय डी टी। तो वी को हम सेपरेट कर देते हैं डी बाय डी टी इंटू वी। ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है डी एक्स बाय वी, डी एक्स बाय डी टी ये क्या है, v है। तो यहाँ पे v की जगह हम v की डेफिनेशन से जो फॉर्मूला लिखे थे वो लिख लिए।
तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। तो ये एक्सिलरेशन का फॉर्मूला आ गया, एक्सिलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। और इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं ये एक्सिलरेशन की जगह पे। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। दिस इज योर एक्सिलरेशन, ये क्या है आपका एक्सिलरेशन। माइनस के एक्स को इक्वेशन के राइट साइड में ले आओ, प्लस के एक्स हो जाएगा और फिर क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, हमको दोनों टर्म्स में से m को कॉमन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो सेकंड टर्म है kx, इसको m से मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड किया, ये m और ये m फिर से कैंसिल होके आपको यही इक्वेशन फिर से मिल जाएगी। बट अभी हमको m कैंसिल नहीं करना है, कॉमन निकाल लेना है। तो दोनों टर्म्स में से मैं m को कॉमन निकाल लिया, तो ये टर्म में से m कॉमन निकला, ये टर्म में से m कॉमन निकला, तो क्या हो गया, ब्रैकेट में डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स, ये ब्रैकेट में आ जाएगा एम मल्टीप्लीकेशन में जीरो, एम मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आएगा जीरो के साथ डिवाइड हो जाएगा और जीरो बचेगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, डी एक्स डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो टर्म है, ये टर्म का हमारे पास फॉर्मूला है क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय एम, ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है आपका, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो जब आप इसके स्क्वायर करोगे ओमेगा का, तो यहाँ पे रूट हट जाएगा। तो यही टर्म है हमारे पास के बाय एम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ये क्या रख दिए हम, ओमेगा स्क्वायर रख दिए, एक्स इज इक्वल टू जीरो। This is the differential equation of linear SHM. तो यही आपकी है differential equation linear SHM के लिए।